अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए आज की रेसिपी हमारी मेथी के पराठे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये मैंने मेथी लिया है, इसको अच्छे से तोड़ ली, मैं साफ़ कर ली। देखिए इतने इतने, इसको बोलते हैं छोटे पत्ते की मेथी बोलते। देखिए ऐसे सब पत्ते पत्ते तोड़ना है, इसको काढ़िया नहीं रखना है, इसको फिर कटिंग भी नहीं करना। कटिंग अगर करेंगे ना हमारा पराठा क्या है कड़वा हो जाता। तो इसको साबित ऐसा पत्ते पत्ते निकालना, काढ़िया नहीं। हाँ फिर उसको मैं इसको धो ली, धो लेके इसको अच्छे से वॉश करी, छन्नी में रख ली थी मैं इसको, पानी इसका निकल गया ना, फिर इसको यहाँ रखी मैं। फिर मैं ये ली गेहूँ का आटा, ये 2 कप गेहूँ का आटा है। देखिए इसको अच्छे से छान के मैं यहाँ रखी। फिर मैं आटे को ये मिक्स करते हुए दिखाती हूँ आपको। फिर ये पराठे बनाने के लिए ये मैंने मीठा तेल लिया है, ये 1 डली प्याज छोटी छोटी काट के रखी मैं बारीक बारीक। फिर ये हरा धनिया है, देखिए हरा धनिया तोड़ के धो के रखी मैं इसको। फिर ये है हरी मिर्ची का पेस्ट पीस के रखा मैंने। देखिए ये डब्बे में सारे मसाले हैं हमारे, मैं डालते हुए दिखाते हैं आप। पूरे मसाले हैं इसमें, गरम मसाला धनिया पाउडर सब है इसमें। ठीक है मैं दिखा रही हूँ, मिला रही हूँ मैं आटा मिला रही हूँ। देखिए आप लोग ये है आटा, ठीक है। ये आटे में पहले डाल रही हूँ मैं नमक, देखिए ये नमक डाल रही मैं आटे में, ठीक है। अब ये है ज़ीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए, ये हल्दी देखिए, ठीक है। ये पूरे मसाले डाल दी मैं, इसमें मसाले चले गए पूरे। अब ये है प्याज, देखिए प्याज डाल दे रही हूँ। ये हरा धनिया डाल दे रही हूँ, ठीक है। ये है तेल, मीठा तेल, इसमें डाल दे रही हूँ मैं पूरा पूरा डाल के अच्छे से मिला लेना इसको। ये मिर्ची का पेस्ट हरी मिर्ची का, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों इसको पूरा मिटल डाल दीजिए, मैं इसको ऐसा मिला ली ना, अब इसको भाजी डाल देंगे इसमें डाल के, ऐसा ऐसा डाल के सारा मिलाना। इसको पानी की ज़रूरत नहीं रहती, अगर फिर भी क्या है कि थोड़ा बहुत पानी अगर 1 स्पून लगा तो क्या है कि पानी तो नहीं लगता, क्यों तो मैं तेल में लगी ना इसमें भाजी का भी पानी रहता। देखिए मैं इसको अच्छे से गून लेती हूँ, मैं गून के दिखाती हूँ। मैं देखिए ये हमारा आटा अच्छा मैं गून ली, ये तो अच्छा हो गया। मैं इसको 15 मिनट के लिए रख रही हूँ। अच्छा हमारा आटा जब तक रेस्ट लेता अच्छे से होता, मैं रख रही हूँ इसको 15 मिनट के लिए रख रही हूँ, ठीक है। अच्छा सेट हो जाता हमारा आटा, हमारे 15 मिनट हो गए। ये मैं आटा खोल के बता रही हूँ आपको, ओपन करके। देखिए अच्छे से सेट हो गया हमारा आटा, देखिए इतना स्मूथ हो गया। मैं थोड़ा सा तेल भी लगा के रखा था इस पर, देखिए अच्छे से सेट हो गया हमारा आटा, देखिए स्मूथ हो गया। अभी मैं इसके पूरे डोरी बना लेती हूँ, इसके जितने जितने बनाते या छोटे या बड़े अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। कोई छोटा पराठा बनाते, कोई बड़ा पराठा बनाते, देखिए इतने इतने कोई छोटा कोई बड़ा लेते ना, अपने अपने हिसाब से लेते, ये ऐसे बना लेते, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको, चलो चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। देखिए दोस्तों ऐसा पेड़ा बना लेना, ठीक है। देखिए इसको आटे में नीचे ऊपर कर लेना ऐसा, ट्राइंगल शक्कर ही बनाती मैं ये ऐसा करके। थोड़ा सा तेल डालना, 1 स्पून
देखिए इसको एक तरफ हो गया, मैं इसको पलटा रही हूँ, आप लोग देखिए इसको पलटा दी, देखिए कितने अच्छा ब्राउन हो गया, कलर आया इसको, ठीक लगा दे। इधर भी तेल लगा लेना, अच्छे से सेकना है इसको, कलर अच्छे से आ रहा है इसको, ब्राउन कलर आना। कितना अच्छा कलर आया, पूरा ऐसा हो गया, सेकना है इसको, मैं ऐसे सारे बना ले रही हूँ, अभी इधर आ जाएंगे, अब इसको निकाल ले रही हूँ मैं प्लेट में, ये तो हो गई। ये भी बना रही मैं इसी तरह, वो कैसा बने, फिर ये कैसा बने, देखिए ये पेड़ा, फिर ऐसे सब सारे बनाती हूँ मैं, ऐसा ऐसा बना के दिखाती हूँ आप दोस्तों। देखिए हमारे पराठे बन के तैयार हो गए, मेथी के पराठे देखिए इतने अच्छे बने, एकदम नरम बने, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता मेथी, और ये सर्दियों में खाना बहुत अच्छा रहता, अभी तो सीज़न है मेथी का।